नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो हम करा रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, तो इससे पहले हमने मैथ के ही स्टार्टिंग के 40 जो है वो बहुविकल्पीय देखे थे। यदि आपने नहीं देखा है पिछला वाला पार्ट, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यू की पूरी प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम पर सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। फिर भी यदि आपको ना मिले तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक जो है वो सभी प्लेलिस्ट की प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे उसके आगे के प्रश्न 41 से लेकर के 82 तक, यानी कि लगभग 42 प्रश्न जो है आपके हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 41 प्रश्न। साइन 60 डिग्री जो है इसका मान पूछा गया है और चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन में यहाँ पर हाइड कर देता हूँ ताकि आप स्वयं से करें, स्वयं से जो है देखें कि आप इन प्रश्नों को जो है वो कर पा रहे हैं कि नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इस प्रकार से मान याद रखने के लिए 0, 30, 45, 60, 90, इनके आपको साइन के याद कर रखने होते हैं। 0 का आपका सही यानी डिग्री है सब जगह, तो 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो 0 होता है। 30 का 1/2, 0 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2 और लास्ट में 1। अब यहाँ पर देखिए साइन 60 का पूछा गया, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, यानी कि चारों ऑप्शन में आज से आपका द वाला ऑप्शन √3/2 सही हो जाएगा। और ये भी मैंने बताया था कि साइन की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप किसी की भी निकाल सकते हैं। साइन से आप कॉस की निकाल सकते हैं, जस्ट पीछे से आप लिखना शुरू करेंगे, उसी से ही टेन की भी निकाल सकते हैं क्योंकि टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। उसी से और कॉट थीटा की भी निकाल सकते हैं क्योंकि टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है। सारी चीज़ें मैंने त्रिकोणमिति वाले वीडियो में बताई थी, नहीं देखा हो तो उसको मैथ वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। फोर्थ सेमेस्टर मैथ नाम से प्लेलिस्ट है। 42 प्रश्न कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 आपको दे रखी है, तो थीटा का मान कितना होगा। ऊपर ही देखिए जो अभी मैंने मान लिखा था, इसी में देखिए 1/√2 किस पर मान है, तो आप देख रहे हैं 45 डिग्री पर आपका मान कितना होता है, 1/√2 होता है। यहाँ पर आपका थीटा का मान क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 45 डिग्री आ जाएगा। सिंपल सा साधारण सा प्रश्न था, बस आपको मान याद होना चाहिए। 43 प्रश्न कह रहा है 1 - sin² a, फिर 1 + tan² a, इसका मान जो है वो क्या होगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर आंसर देख सकते हैं। तो बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, तो इसका एक फॉर्मूला होता है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फॉर्मूला होता है आपका sin² a + cos² a = 1, ये फॉर्मूला होता है। इसी प्रकार आपका और भी होते हैं, पर सबसे पहले हम बात करेंगे इस sin² a, 1 - sin² a को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला होता है sin² a + cos² a = 1, और यहाँ पर से अगर आप इस sin² a को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी आप cos² a को यानी थीटा लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, दोनों एक है। तो cos² a की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 1 - sin² a, ये हो जाएगी आपकी। अब 1 - sin² a देखिए प्रश्न में दे रखा है 1 - sin² a, यानी कि इसकी जगह आप cos² a लिख सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, cos² a इतनी की जगह हम लिख सकते हैं। मैं इन सबको रिजर्व कर रहा हूँ, अब दूसरे की बात करूंगा। अब बात करते हैं हम दूसरे वाले पार्ट की, यानी कि 1 + tan² a को क्या लिख सकते हैं। तो इसका भी आपका फॉर्मूला होता है sec² a - tan² a = 1, ये आपका फॉर्मूला होता है। जैसे ऊपर अभी हमने देखा था sin² θ + cos² θ = 1, थीटा और a दोनों हम कह सकते हैं, यानी कि sin² a + cos² a = 1 होता है। तो वहां से हमने 1 - sin² a का मान निकाला, तो क्या निकला था, cos² a जो है वो निकला था, क्या निकला था, cos² a। यहाँ पर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट यहाँ लगा भी सकते हैं या डायरेक्ट मल्टीप्लाइड भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी तो ब्रैकेट था, अब हमने मान रख लिया तो ब्रैकेट खोल सकते हैं। 1 + tan² a यहाँ से देखिए निकल रहा है, इस -tan² a को जब बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी sec² a की वैल्यू आपकी 1 + tan² a के बराबर होगी, आप कहेंगे बिल्कुल होगी। तो यहाँ पर हम sec² a लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ से आपको मैंने क्या बताया था कि ये जो आपकी वैल्यू होती है साइन
कॉस, टेन और उसी के नीचे कॉट, उसी के नीचे सेक और लास्ट में आपका कॉस कोसेक। तो ये जो मान होता है ये इसके जस्ट बटे के फॉर्म में होता है। यानी देखिए कॉस जो है इसके जस्ट नीचे मैंने सेक लिखा है, यानी कि कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं और सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सेम बनाने के लिए कॉस स्क्वायर ए को ऐसे ही रहने देते हैं, सेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, या दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर ए को ऐसे ही रहने सकते हैं, कॉस स्क्वायर को 1 अपॉन सेक स्क्वायर, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए ऐसे ही रहने देते हैं, मल्टीप्लाइड लगाएंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इस प्रकार हमने लिख दिया। आप कॉस स्क्वायर ए आपस में कट जाएगा, बचा कितना, एक बचा, तो यही आपका एक जो है वो बिल्कुल उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन बा वाला जो है वो दे रखा है 1, ये जो है आपका सही हो जाएगा। तो मेन आपको दो फॉर्म, तीन फॉर्म एक्चुअल में होते हैं, पर यहाँ पर दो का ही यूज हुआ है, एक साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 और दूसरा यहाँ पर यूज हुआ है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। एक और आपका जो होता है तीसरा वो होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, तो वो भी आपका यूज होता है पर यहाँ पर नहीं यूज हुआ है तो हम इसको इसलिए नहीं देख रहे हैं। 44 प्रश्न देखते हैं, बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, आप सभी जानते हैं, जल्दी से बताइए ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। बिल्कुल, बात करते हैं उत्तर की, तो आपका वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πRh, सभी फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। अगला कह रहा है शंकु की तिरछी ऊंचाई होती है, ये भी मैंने आपको बताया था, तिरछी ऊंचाई भी आपसे शंकु में ज्यादातर पूछी जाती है, तो चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, एल बराबर अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। 46 प्रश्न कह रहा है कि जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म परस्पर समांतर हो उसे जो है वो क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं, सम चतुर्भुज कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका समांतर चतुर्भुज जो है वो सही हो जाएगा, जिसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म परस्पर समांतर हो। अगला प्रश्न 47 आपका कह रहा है कि यदि 3 मेज और 5 कुर्सी का मूल्य आपको 1000 रुपये दे रखा है, ध्यान से समझिए प्रश्न को, और आगे 5 मेज और 2 कुर्सी जो है उसका मूल्य 970 रुपये दे रखा है, तो एक कुर्सी और एक मेज, मेज में एक लगा नहीं, मतलब कहने का यही है कि एक कुर्सी और एक मेज का अलग अलग मूल्य आपको जो है वो बताना है। 3 मेज और 5 कुर्सी का मूल्य 1000 और 5 मेज और 2 कुर्सी का मूल्य 970। तो प्रश्न तो आपका ये बहुविकल्पी में पूछा गया, पर बहुविकल्पी नहीं है क्योंकि आप इसमें समीकरण बनाएंगे, उस पर आधारित करेंगे प्रश्न। कैसे समीकरण बनाएंगे वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि 3 मेज हैं, 3 5 कुर्सी हैं, तो मेज को आप मान लीजिए x और कुर्सी को मान लीजिए y, तो 3 मेज यानी कि 3x हो जाएगा, और 5 कुर्सी लिखा है तो प्लस हो जाएगा, और कुर्सी है कितनी 5, तो 5y, 3x प्लस 5y का मूल्य कितना है 1000 है, तो बराबर 1000। इसी प्रकार दूसरी वाली आप बनाएंगे तो 5 मेज है, यानी कि मेज आपने x को माना था, तो 5x प्लस और 2 कुर्सी है यानी कि 2y बराबर यहाँ पर मूल्य 970 जो है वो दे रखा है। अब ये जो दो समीकरण निकल कर आए हैं इसमें आप किसी x को या y को बराबर कर लीजिए, उसके बाद समीकरण को घटा दीजिए, उसके बाद आपका जो मान है वो x y का निकल आएगा, वहां से ही आपका जो आपने x मेज और y कुर्सी को माना है वहां से आपका मान निकल आएगा। और समीकरण जिसको बराबर करना नहीं आता वो भी मैं बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, तो ऊपर वाले समीकरण में आप कीजिए, आपको यहाँ पर 5 से गुणा करना पड़ेगा, 5 से या 15 होगा, तो 5 से पूरे समीकरण को गुणा कर दीजिए तो 15 हो जाएगा, इस वाले समीकरण में आप 3 से गुणा कर दीजिए तो आपका 15 हो जाएगा। देखिए x x बराबर हो जाएंगे, वैल्यू 15x, अंदर जो भी हो उससे मतलब नहीं है क्योंकि वो आप तो माइनस कर ही देंगे, तो यहाँ पर आपकी 15x, यहाँ भी 15x, वो कट जाएगी, यहाँ पर आपका 25y आएगा, और इसी प्रकार आपका यहाँ पर 5000 आएगा, इसी प्रकार यहाँ पर भी आपका आ जाएगा, तो आप कर ले जाएंगे आसानी से। बाकी इसमें ऐसा कुछ खास नहीं, मैं आंसर आपको बता देता हूँ, तो आ वाला यहाँ पर जो ऑप्शन है इसको डिलीट करते हैं, उसके बाद ये आपका आ वाला जो दे रखा है, कुर्सी का मूल्य 110 और मेज का 150, ये जो है आपका आंसर निकल के आएगा। मैंने पूरा तरीका बता दिया है, बाकी आप स्वयं से जो है वो कर सकते हैं। 48 प्रश्न कह रहा है कि
यदि दो अंकों की एक संख्या जो है उसकी दहाई का अंक इकाई के अंक से तीन कम है। तो यदि आगे यहाँ पर साइड में यदि लिखा है, क्योंकि आंसर लिखा है इसलिए मैंने नहीं दिखाया, यहाँ पर लिखा है कि यदि संख्या अंकों की जोड़ की चार गुनी हो तो संख्या क्या होगी। इस टाइप के प्रश्न को अगर आपसे बहुविकल्पी में पूछा गया है तो आप ऑप्शन को ही देख लेंगे। देखिए क्या लिखा है, दो अंकों की एक संख्या की दहाई का अंक इकाई के अंक से तीन कम है। तो यहाँ पर देखिए दहाई आपका ये है, इकाई चार है, तो कह रहा है दहाई का अंक इकाई के अंक से तीन कम है। तो दहाई का अंक इकाई से तीन कम है, आप कहेंगे नहीं नहीं आप कहेंगे हाँ कि एक जो है आपका जो दहाई है इकाई चार से तीन कम है। तो ये पहली वाली जो आपकी शर्त है वो यहाँ पर सही आ रही है। आगे लिखा है यदि संख्या जो है अंकों की जोड़ की चार गुनी हो, संख्या कह रहा है कि अंकों की जोड़ की अगर बात करें तो चार एक कितना होगा, पांच होगा, और पांच का चार गुना कितना होता है तो बीस होता है। तो ये कह रहा है क्या ये 14 के बराबर है आपका, आप कहेंगे नहीं। दूसरे ऑप्शन में देखिए कि जो दो है वो पांच से तीन अधिक है, आप कहेंगे बिल्कुल है, पहली वाली शर्त यही कह रही है। फिर ये दूसरी शर्त कह रही है यदि संख्या अंकों की जोड़ की चार गुनी है, तो यहाँ पर जोड़ पांच और दो का कितना होगा, सात होगा, और सात का चार गुना कितना होगा तो 28 होगा। क्या ये 28 के बराबर है, आप कहेंगे ये भी कट जाएगा, 14 भी कट जाएगा, 36 को चेक करते हैं। तो दहाई का अंक तीन, इकाई का अंक छः, इससे तीन अधिक है, आप पहली शर्त बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है अंकों का योग, तो छः तीन कितना होता है, तो आप कहेंगे नौ, और नौ का चार गुना कितना होता है तो आप कहेंगे 36 होता है। तो ये इसके देखिए बराबर आ रहा है, तो आप कहेंगे यही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लिखा यही था यदि संख्या अंकों की जोड़ की चार गुनी है तो संख्या क्या होगी, तो संख्या वो आपकी 36 जो है वो हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, समीकरण यहाँ पर आपको दे रखा है 3x plus y बराबर 4, इसी प्रकार x plus 2y बराबर 3 दे रखा है। इसका प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान बताना है। तो बताई तो मैंने दोनों ही थी आपसे, प्रतिस्थापन भी बताई थी, विलोपन भी बताई थी, पर ये तो प्रश्न बहुविकल्पी में आया है, आपको मेन क्या करना है x और y की वैल्यू निकाल लेनी है, बस जो आएगा वही आंसर होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, इसमें तो आंसर ही टिक करना होता है। तो दो समीकरण दे रखे हैं, आप क्या कर सकते हैं, पहले वाले समीकरण से y की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो आपका 3x उधर जाएगा तो 4-3x आएगा, और y की वैल्यू निकाल कर दूसरे वाले समीकरण में आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो 2y है इसकी जगह आप y की वैल्यू रख सकते हैं और उसको सॉल्व करके y का मान निकाल सकते हैं, नहीं y का नहीं, आप कहेंगे x का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि जब y की वैल्यू आप पुट कर देंगे यहाँ पर x के फॉर्म में तो यहाँ पर भी तो सब आपका x ही हो जाएगा। मैं इस चीज़ को करके बता देता हूँ, चलिए जैसे यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के आएगी, y बराबर 4, तो ये 3x उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 4-3x हो जाएगा। अब इस y का मान दूसरे वाले समीकरण में रखेंगे तो एक्स प्लस 2y की जगह हम क्या रखेंगे, 2 इंटू, और y का मान 4-3x है, तो इसी को इसी प्रकार लिखेंगे, या आप चाहें तो गुणा भी कर सकते हैं। चलिए एक बार लिख देते हैं 4-3x और बराबर 3, तो ये आपका आया। अब यहाँ से आप देखिए ये भी x में है, ये भी x में, इसको अब जब आप सॉल्व करेंगे तो x का मान आप यहाँ से निकल जाएगा। तो इसको देखिए x को प्लस रखिए, 2 को अंदर गुणा करेंगे, 2 4 8 होता है, ये माइनस लगा देंगे, और 3 2 6 और साथ में x और बराबर का 3। अब यहाँ पर क्या है, x प्लस 8-6x बराबर 3 है, तो 6x जो है माइनस का है, ये x जो है वो प्लस का है, तो आप क्या करेंगे यही आपस में जोड़ घटा लेंगे, यानी कि आपका क्या बचेगा, माइनस का 5x जो है यहाँ से बचेगा, माइनस का 6x है और यहाँ पर प्लस का है x है, तो माइनस का 5x बचेगा, ये 8 प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो बराबर 3-8 आप लिख सकते हैं। अब 5x के साथ माइनस है, इस चीज़ का ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 में से 8 गया कितना बचेगा, तो आप कहेंगे माइनस का 5 बचेगा, कितना बचेगा, माइनस का 5 बचेगा, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, आप काट सकते हैं, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी है, वो भी काट सकते हैं, तो x की वैल्यू आपकी 1 निकल कर इस प्रकार से आएगी। तो आपने देखा यहाँ पर ऑप्शन में कि जो चार ऑप्शन दे रखे हैं केवल बा ऐसा ऑप्शन है जिसमें x की वैल्यू 1 है। तो अगर आप पूरी तरीके से श्योर हैं कि आपका आंसर सही है तो आपको y की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि और ऑप्शन में है ही नहीं, तो यही आपका ऑप्शन सही होगा, आपका समय ऐसे बच जाएगा, क्योंकि बहुविकल्पी में केवल आपको टिक करना होता है। y की वैल्यू वैसे निकालने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू इन्हीं समीकरण में पुट कर दीजिए, आपका मान आ जाएगा। 50 प्रश्न कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए जल्दी से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आप सभी जानते हैं पाई आर स्क्वायर आपका होता है।
51% कह रहा है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है तो इसका व्यास क्या होगा। यही प्रश्न मैंने आपसे पिछले वाले वीडियो में पूछा था और कहा था अगले वाले वीडियो में हम इसका आंसर देखेंगे। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो, इतने अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको करा रहे हैं प्रैक्टिस, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है, तो वीडियो को लाइक भी अवश्य जो है वो कर दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं अपने प्रश्न की। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको खुद दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था वृत्त का क्षेत्रफल यदि आपसे पूछा जाए तो होता है पाई आर स्क्वायर, और यही परिधि लिखा होता है तो होता है 2πr। अब वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है यानी पाई आर स्क्वायर आपका होता है, तो इसको आप 616 के बराबर लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप r की वैल्यू निकाल लीजिए, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 होती है, तो इसको ऐसे ही रख दीजिए, आर स्क्वायर को ऐसे ही रख दीजिए, 616 बराबर में ऐसे ही रख दीजिए। अब ये जो 7 है बराबर के उधर मल्टीप्लाइड में त्रियक में जाएगा और 22 आपका बटे में आएगा, यानी कि आपका आर स्क्वायर जो है बराबर किसके आएगा, 616 × 7/22। अब इसको आप जो है वो काट पीट लीजिए, तो ये 22 आपका किससे कटेगा, 2 ही से काटिए, 2 × 2, 2 × 2, 2 616 को आप काटेंगे तो 2×8 = 16 और यहाँ पर 2×8 = 16 यानी कि 08 इस प्रकार से आपका होगा। और आप किससे काट सकते हैं, तो 11 से भी आपका 308 कट जाएगा, तो 11 से आप काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, आप कहेंगे 11 दुना 22 होता है और यहाँ पर 8 जाएगा साइड में तो 88 हो जाएगा, तो 28 बार में आपका जाएगा, तो 28 यहाँ पर आएगा, 7 यहाँ पर आएगा बचा, तो 28×7 आपका आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, सब रफ कर देता हूँ, जितना बचा है उतना केवल भाग जो है वो लिख देता हूँ, तो आपका जो मान बचा वो बचा आर स्क्वायर की वैल्यू 196 के बराबर आ जाएगी। जो दोनों वैल्यू आई थी उनको आप आपस में गुणा कर देंगे तो 196 आएगा। अब यहाँ से आर स्क्वायर लगा हुआ है बराबर के उधर जाएगा तो आपका आर बराबर अंडर रूट में 196 आ जाएगा। अब ये 196 किसका आपका वर्गमूल होता है, तो आप कहेंगे 14 का वर्गमूल होता है, तो आर बराबर यहाँ पर 14 निकल आया। प्रश्न में क्या पूछा गया था, प्रश्न में व्यास पूछा गया था, तो मैंने आपको बताया था त्रिज्या जो है वो व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या यहाँ पर आर ही होती है रेडियस, तो आपका जो व्यास है वो इसका जस्ट दुगना हो जाएगा, यानी कि 14×2 कितना होता है 28 होता है, यानी कि यहाँ पर उत्तर आपका 28 मीटर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न जो है वो करना था, आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी जिसने कर लिया था अच्छी बात है, जिसने नहीं किया था उसको यहाँ पर समझना जरूरी है। प्रश्न यहाँ पर बहुविकल्पी, तो आप नई कठिन ही देख रहे हैं, यानी कि अति लघु वाले प्रश्न आपको यहाँ पर अधिकतर दे रखे हैं अभी तक जितने हमने सॉल्व किए हैं, वन लाइनर वाले बहुविकल्पी टाइप नहीं थे। तो चलिए अच्छी बात है, प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी जितना अच्छा है। 52 प्रश्न कह रहा है कि चतुर्भुज जो है उसके चारों कोणों का योगफल होता है, तो ऑप्शन ABCD में से बताना है आपको कौन सा सही होगा। आप सभी जानते हैं जी बिल्कुल, आपका 4 समकोण बिल्कुल सही हो जाएगा। आप चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है आप सभी जानते हैं, 360 होता है। 4 समकोण का मतलब एक समकोण में 90 डिग्री, तो 4 समकोण में 90 + 90 + 90 + 90, और इन चारों को आप जोड़ेंगे तो 9×4=36 होता है, तो 360 आपका सही हो जाएगा। 53 प्रश्न कह रहा है कि चतुर्भुज जो है उसकी वे दो भुजाएं जिनका एक उभयनिष्ठ अंत्य बिंदु होता है वो क्या कहलाती हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका बा ऑप्शन क्रमागत भुजाएं बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 54, चतुर्भुज के अंतः कोण होते हैं 2, 3, 4 या 8, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका 4 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, चतुर्भुज के अंतः कोण 4 जो है वो होते हैं, किसी भी चतुर्भुज में आप देखते हैं तो अंतः कोण 4 होते हैं। 55 प्रश्न कह रहा है कि वर्ग की भुजाएं जो है वो होती हैं, केवल 2 सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सभी बराबर होती हैं, सभी असमान होती हैं, या केवल 2 आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं, तो मैंने क्लियर तरीके से जब वर्ग पढ़ाया था तो आपको बताया था कि सभी बराबर होती हैं। 56 प्रश्न कह रहा है कि आयत के विकर्ण परस्पर होते हैं, बताइए लंब होते हैं, बराबर होते हैं, असमान होते हैं या समांतर होते हैं, ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल आपका बा ऑप्शन बराबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 57 कह रहा है कि वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं असमान, समान, तिरछी या केवल 2 समान, इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो आंसर की बात करें तो आपका बिल्कुल अभी मैंने बताया वर्ग की चारों भुजाएं आपकी समान होती हैं।
58 प्रश्न कह रहा है समांतर चतुर्भुज जो है उसके सम्मुख कोण होते हैं, तो ये भी मैंने आपको बताया था बराबर असमान समकोण या यहाँ पर विपची नहीं तिरछी हो सकता है, तो कौन सा सही होगा बात करते हैं उत्तर की, तो बराबर आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। 59 प्रश्न कह रहा है चतुर्भुज के प्रकार बताइए, समलंब चतुर्भुज आप कहेंगे होता है, समांतर भी होता है, सम चतुर्भुज भी होता है, यानी कि सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 60 कह रहे हैं आयत एक चतुर्भुज है, समलंब है, समांतर है, सम चतुर्भुज है, इनमें से कोई नहीं, बात करते हैं उत्तर की, तो आपका एक समांतर चतुर्भुज के जो गुण होते हैं वही आप इसमें देखते हैं, यही आपका सही हो जाएगा। 61 प्रश्न से आपके देखिए स्टार्ट हो रहे हैं सन 2016 के प्रश्न, तो सन 2016 के प्रश्न हम देखेंगे पहले, फिर 17 के देखेंगे, फिर 18 के देखेंगे, फिर सन 2019 के देखेंगे। प्रश्न आपका कह रहा है समांतर चतुर्भुज के सभी अंताकोणों का योगफल कितना होता है, इस पर बेस्ड तो मैंने क्वेश्चन भी आपको कराया था कि 360 डिग्री जो है वो होता है। अगला कह रहा है समचतुर्भुज जो है उसके कोण होते हैं, चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका सम्मुख कोण बराबर होते हैं सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 63 कह रहा है कि किसी संख्या के वर्गमूल में केवल दो अंक हैं तो वो संख्या जो है आपको बतानी है, तो इस प्रश्न को ध्यान से समझिए, इसमें जो वर्डिंग है वो जो मेन समझने वाली है। प्रश्न कह रहा है कि कोई संख्या है उसके वर्गमूल में केवल दो अंक है, जैसे मैं संख्या यहाँ पर 100 ले लेता हूँ, तो कोई संख्या के वर्गमूल में कितने अंक हैं, तो दो अंक है। देखिए यहाँ पर दो अंक हैं, एक अंक ये, एक अंक ये, तो ये पूछा गया है कि वो संख्या जो है वो कितने अंकों की होगी, तो यहाँ पर आप कितने अंकों की देख रहे हैं, एक अंक, दो अंक, तीन अंक, तो वो संख्या तीन अंक की हो सकती है, यानी कि ये वाला आपका ऑप्शन सही हो सकता है। अब थोड़ा सा नंबर में बदलाव करें, अगर 100 से आप नीचे देखें कोई संख्या जिसका वर्गमूल हो तो आप 81 भी ले सकते हैं। अब 81 का वर्गमूल अगर आप देखेंगे तो 9 होगा, 9 9 81 होता है, पर प्रश्न में शर्त ये लिखी कि किसी संख्या के वर्गमूल में केवल दो अंक है, तो यहाँ पर तो एक ही अंक हुआ, यानी ये आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी यहाँ पर जो लिखा हुआ है दो अंक वो आपका गलत लिखा हुआ है, ये आपका नहीं पॉसिबल है, यानी कि वो संख्या आपकी दो अंकों की नहीं हो सकती। मैंने देखिए 81 आपको इसलिए करके भी बता दिया, यहाँ पर कोई और भी दो अंकों की संख्या आप ले सकते हैं, जैसे कि अंडर रूट में 36 ले लीजिए, तो इसका आपका 6 आएगा, तो अंडर रूट 36 आपकी कितने अंक की है, दो अंकों की है, पर प्रश्न की शर्त को पूरा नहीं कर रहा है कि किसी संख्या के वर्गमूल में केवल दो अंक है, तो वर्गमूल में दो यहाँ कहाँ, यहाँ तो केवल एक ही अंक है, तो आप कहेंगे कि तीन अंकों की हो सकती है, पर दो अंकों की यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। एक यहाँ पर और ऑप्शन हो सकता है, वो भी मैं आपको बता दूं, वो ऑप्शन ये कि ये जो संख्या है तीन अंकों की, ये आपकी चार अंकों की भी हो सकती है। कैसे, जैसे अगर आपकी शर्त को ये पूरा करे तो आप 1024 जो है इसका वर्गमूल निकालिए, तो आपका क्या निकलता है, 32 निकलता है, और 32 में अगर आप देखेंगे तो 1 2 वर्गमूल में केवल दो अंक हैं, आपकी शर्त पूरी कर रही है, बिल्कुल पूरी कर रही है, तो वह संख्या आपकी चार अंकों की भी हो सकती है, तीन अंकों की भी हो सकती है और चार अंकों की भी हो सकती है। दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, तो यहाँ पर तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बावल आप टिक कर देंगे, पर आपको पता सारी चीजें होनी चाहिए। 64 प्रश्न कह रहा है कि 3 सही 3/8 जो है इसका घनमूल जो है वो है, चार ऑप्शन है, एक है आपका 3, दूसरा है 3/8, तीसरा है 3/2 और चौथा है आपका 3/4। तो घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लीजिए, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 8 3 24 24 में 3 जोड़ेंगे तो 24 25 26 27 होगा बटे 8, तो 27/8 आप लिखेंगे। इसका घनमूल आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, 27 को ब्रेक कर लेंगे, 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं, 3 × 9 = 27, 8 को भी 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, और बाहर आपका घनमूल इस प्रकार से लिखा है, तो घनमूल से बाहर निकालेंगे तो आपका 3 बचेगा, 2 बचेगा, क्योंकि जो चिन्ह 3 बार आई होती है वही आपकी घनमूल से निकलती है बाहर, तो 3/2 आपका सा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 65 कि एक वर्ग का विकर्ण आपको 5√2 सेंटीमीटर दे रखा है और वर्ग की भुजा आपको बतानी है, तो इसको करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आपको विकर्ण का जो सूत्र होता है, वर्ग के विकर्ण का वो याद होना चाहिए, वो सूत्र क्या होता है, तो वो आपका होता है भुजा
रूट टू होता है, ये आपका सूत्र होता है भुजा रूट टू। अब वर्ग का विकर्ण ऑलरेडी 5 रूट टू दे रखा है, तो इसको आप 5 रूट टू के बराबर लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप भुजा की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, इस रूट टू को बटे में ले जाएंगे, तो इस रूट टू से आपका ये रूट टू कट जाएगा। तो यहाँ से जो मान निकल कर आएगा वो किसका निकल कर आएगा, भुजा का, वो कितना निकल कर आएगा, 5 निकल कर आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आएगा। और यही देखिए प्रश्न में पूछा गया था कि वर्ग की भुजा क्या होगी, तो आप क्या कहेंगे, 5 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा होगी। तो मात्र एक छोटे से फॉर्मूले से आप इसे बहुत ही साधारण तरीके से कर सकते हैं, इसीलिए मैंने वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला आपको जब डिटेल में बताया था तो वहां करा दिया था। 66 प्रश्न कह रहा है कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1/2 दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ये भी मैंने आपको प्रश्न किस प्रकार से बताया था कि आपको क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है और उसके अकॉर्डिंग लाल बटे कक्का लिखना था, और लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग कॉस की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो साइन कॉस आधार बटे कर्ण दे रखी है, तो ये जो 1 दे रखा है इसकी वैल्यू आपको आधार की 1 दे रखी है, और कर्ण की वैल्यू जो है आपको 2 रख दे रखी है। तो आपको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले ये वाला मान यानी कि लंब का मान निकाल लेना है, और उसके बाद सारी वैल्यू पुट करके आप कर सकते हैं। ये तो आ गया आपका एक तरीका, और उससे सिंपल और साधारण सा तरीका भी आपको पता होना चाहिए, और वो क्या, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2 दे रखी है। अब आपको ये सोचना है यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, यानी कि अगर स्क्वायर को आप इधर ले जाएंगे तो 1/√2 में आपका 1/√2 आएगा, क्या आएगा, 1/√2 आएगा अंडर रूट में आ गया। अब ये आपको पता होना चाहिए कॉस की वैल्यू 1/√2 में कितने अंश पर आती है, तो आप देखेंगे 0, 30, 45 अंश पर आती है, बिल्कुल आती है। यही चीज आपको साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो साइन थीटा की वैल्यू 45 में कितनी होती है, आप कहेंगे 1/√2 होती है, और यहाँ पर वैल्यू स्क्वायर थीटा की पूछी गई थी तो 1/2 थी, तो यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2 ही हो जाएगी। उस तरीके से भी आप कर सकते थे, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, और वैसे भी कॉस की 45 डिग्री की वैल्यू 1/2 साइन की 45 डिग्री के बराबर ही होती है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं इतना सब कुछ सोचना है, डायरेक्ट भी आप 1/2 लिख सकते थे, क्योंकि साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान 1/√2 ही होता है। 67 प्रश्न चित्र पर आधारित है, बढ़िया प्रश्न है, सोचना है आप, समझ रहे हैं आपको, और बताना है कौन सा होगा। ओ वृत्त का केंद्र दे रखा है, ए सी बी जो है इसकी वैल्यू दे रखी है, ए सी बी कितनी दे रखी है, 40 दे रखी है, और प्रश्न में क्या कह रहा है, थोड़ा सा प्रश्न को उधर कर देते हैं, ए ओ बी का मान जो है वो पूछा गया है, यानी कि जे वाला मान जो है आपसे पूछा गया है। अब इसके लिए एक प्रमेय होती है, आपने पढ़ी होगी हाई स्कूल इंटर के लेवल पे, कि जो केंद्र होता है ये आपका सेंटर है, केंद्र है, और ये जो आपका गोला बना हुआ है ये परिधि है, तो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। इतना सा साधारण सा आपको एक लाइन याद होगी तो आप यूं टिक कर ले जाएंगे ऑप्शन को। अब परिधि पर मान 40 दे रखा है तो केंद्र पर उसका दुगुना होगा तो कितना होगा, आप कहेंगे 80 हो जाएगा, बिल्कुल यही ऑप्शन सही हो जाएगा। बस सिंपल सी साधारण सी प्रमेय आपको याद होनी चाहिए, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। और यही चीज दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, वही से सेम चीज हो जाएगी। 68 प्रश्न देखते हैं, परिमेय संख्या 4/-5 8/15 का भागफल क्या होगा। भागफल का मतलब है दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 4/-5 लिखिए, बटे लगाइए, थोड़ा अच्छा ऊपर लिख देते हैं, 4/-5 और पूरे का 8/15, नीचे नीचे वाला गुणा हो जाता है, ऊपर ऊपर वाला गुणा हो जाता है, ठीक है। तो 4 × 15/5 × 8 ये आपका आएगा मल्टीप्लाई करने में, आप इसको सॉल्व कीजिए तो 5 से काटेंगे, 5 × 3 = 15 होता है, और क्या कर सकता है आपका, कुछ नहीं, तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा ऊपर, और बटे में आपका 8 ही रहेगा, 12/8 आया, और साथ ही साथ माइनस भी तो आएगा आपका, क्यों, क्योंकि 4/-5 नीचे बटे में था तो नीचे आपका -8 भी तो चल रहा है। और जब आपने गुणा कर लिया तो आप इसको बीच में भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं हार्ड रूल के नीचे लगाएं, तो इसको आप काट भी सकते हैं, किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 × 3 = 12 और 4 × 2 = 8, तो आपका -3/2 ये सा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सिंपल सा साधारण सा प्रश्न था, केवल और केवल क्या करना था, ऊपर नीचे रखकर जो है वो काट लेना था, -3/2 आपका आ जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में
अभाज्य संख्या के जो अव्यय हैं उनकी संख्या जो है वो है। तो ये मैंने सभी अलग अलग आपको प्रायिकता में बताई थी कैसे क्या होती हैं। तो 2, 4, 1, 3 बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका 3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रायिकता वाला वीडियो नहीं देखा उसको देख लीजिएगा, एक एक चीज मैंने वहां पर ये सभी बताई थी। 70 प्रश्न कह रहा है 0.0008 का 4 बार 0 है उसका घनमूल आपसे पूछा गया। इस टाइप का प्रश्न आपसे 2019 में भी शायद पूछा गया था। इस टाइप के प्रश्न की प्रैक्टिस अवश्य कर लीजिएगा क्योंकि ये रिपीट होता है और इसका आंसर आपका 0.02 ही यानी कि इस प्रकार से ही अधिकतर देखने को भी मिलता है। और आपको मैंने कल बताया भी था फर्स्ट वाले पार्ट में कि आपको यहाँ पर कितनी वैल्यू दे रखी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर करना है और चेक करने के लिए इसी वाली संख्या को इसी से 3 बार गुणा करके देख लीजिए तो आपकी ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। वो आप चेक भी कर सकते हैं, बाकी निकाल भी सकते हैं। अगला प्रश्न 71 कह रहा है sin 30/cos 60 का मान क्या होता है। तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपकी होती है 1/2। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे 1/2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या का नीचे से गुणा ऊपर 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 गुणा, तो 1/2 नीचे वाली का गुणा होगा तो आपका ऊपर 2 आ जाएगा ना, तो ऊपर आपका 2 आएगा, इस 2 का ऊपर से गुणा होगा, नीचे भी आपका 2 आएगा, इस 2 से 2 को काटेंगे तो आपका 1 जो है वो बचेगा। तो आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मान पता होगा आप आसानी से चुटकी में कर लेंगे, मैंने आपसे कहा था साइन की वैल्यू बस याद कर लीजिएगा 0, 30, 45, 60, 90 पे कहीं से कुछ भी आएगा आप कर ले जाएंगे। ये प्रश्न आप सब आपके प्रीवियस ईयर के चल रहे हैं, जो ऊपर आप देख रहे थे वो सन 2017 के प्रश्न थे। देखिए सन 2017 के प्रश्न हैं और अभी भी सन 2017 के चल रहे हैं, पर इसके बाद वाला जो प्रश्न है वो 18 के स्टार्ट हो रहे हैं। तो समीकरण आपका यहाँ पर लिखा है 5x = y दे रखा है, 2x + y = 7 दे रखा है, इसमें y का मान निकालना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से मान निकाल के इसमें पुट कर दीजिए। साधारण सा सिंपल सा क्वेश्चन है। और या तो आप कुछ ना करिए, यहाँ पर देखिए y की वैल्यू 5x दे रखी है, तो यहाँ पर y की जगह 5x रख दीजिए, तो 2x + 5x = 7 आपका हो जाएगा। 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7x होगा, बराबर 7 क्या होगा, x की वैल्यू 1 होगी, बिल्कुल होगी। अब यहाँ पर क्या कह रहा था y का मान, तो इस x की वैल्यू आप पुट कर दीजिए किसी भी एक में, इसी में आप रख दीजिए, तो 5 × 1 = y होगा, यानी कि y का मान 5 हो जाएगा। सा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन। अगला प्रश्न 73 कह रहा है कि cot 30° / tan 45° इसका मान बताइए। अब आप मान रखिए डायरेक्ट और तुरंत निकाल दीजिए। cot 30 की वैल्यू आपको इसके लिए पता होना चाहिए, नहीं याद है तो कैसे निकालेंगे आप, 10 से निकाल लेंगे। निकालना तो मैंने आपको बता ही दिया था, मैं यहाँ पर मान रख के बता देता हूँ। cot 30 की वैल्यू आपकी कितनी होगी, तो √3 होगी, यहाँ पर आप √3 लिख दीजिए। tan 45 की वैल्यू आपकी 1 होती है, तो इसका मान क्या आएगा, √3 आ जाएगा, यही बा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 74 प्रश्न देखते हैं, 74 प्रश्न तक हम पहुंच गए हैं, हमारा 82 आखिरी प्रश्न है, लगभग 6-7 प्रश्न और शेष रह गए हैं। वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, चीज़ें सब समझ में आ रही है, इतनी सारी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं बैक टू बैक, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो मैं आपको पेपर के अंतिम तारीख तक प्रोवाइड कराता रहूं। 74 प्रश्न देखते हैं, किसी वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या बतानी है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, मैंने इस फॉर्मूला बताया था πr² होता है, आप कहेंगे बिल्कुल, तो इसका मान यहाँ पर दे रखा है तो 8800 रख दीजिए। अब यहाँ से आप क्या करिए, वृत्त की त्रिज्या आर पूछी गई तो आर ही निकाल लीजिए, और यहाँ पर ऑप्शन में देखिए पाई तो दे नहीं रखा है, यानी जो पाई है इसका मान भी रख लीजिए, तो 22/7 रख के यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए। थोड़ा सा मैं आपको इसको और आगे सॉल्व करके बता देता हूँ कैसे, जैसे कि यहाँ पर पाई है इसका मान आप 22/7 रख लीजिए और आर स्क्वायर को ऐसे रहने दीजिए और 8800 को ऐसे रख लीजिए। अब ये जो 7 है उधर मल्टीप्लाइड में चला जाएगा, 22/7 में आ जाएगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आपकी आएगी 8800 × 7/22। बस इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आर की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, वही आंसर जो है वो आपका आ जाएगा। यहाँ पर आंसर देखिए क्या दे रखा है, तो द वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर दे रखा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 75 2x² - x - 1 = 0 जो है उसके हल बताना है आपको। अब 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर क्या देखते हैं, 1 है यहाँ पर, 2 है, इसका मल्टीप्लाइड देखते हैं और बीच वाली वैल्यू को ऐसे ही बनाते हैं कि आपका जो मल्टीप्लाइड है उनको करने पर 1 यानी कि 2 आए, जितना यहाँ पर गुणा करने पर आ रहा है, और जोड़ने घटाने पर जो माइनस एक्स की वैल्यू है यही प्राप्त हो जाए, तो वहीं से आपका एक्स की वैल्यू निकल आएगी, तो 1 आएगी, 1 - 1/2 आएगी। गुणनखंड करना यदि आपको नहीं आता है तो जाकर मैथ वाली प्लेलिस्ट में देखिएगा,
गुणनखंड करने का पूरा प्रोसीजर मैंने बता रखा है डिटेल में। यहाँ पर बहुविकल्प भी बात कर रहे हैं तो हम ज्यादा डिटेल में सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, फिर भी लगभग सभी टाइप के मैंने जो डिफरेंट थे वो बता दिए, जो बता चुका हूँ उसको रिपीट मैं नहीं कर रहा हूँ। संख्या 14641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या आपको बतानी है, तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या के लिए आपको इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, और वर्गमूल निकालना है तो गुणनखंड विधि भाग विधि दोनों मैंने बताई थी, और यहाँ पर निकल कर कितना आएगा तो आपका निकल कर आएगा 121। इसका वर्गमूल कितना होता है 121 आपका होता है, पर इसमें क्या पूछा है अंकों की संख्या, तो 1 2 3 आपका सा वाला ऑप्शन 3 जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 77 कह रहा है कि किसी चतुर्भुज के किन्हीं तीन कोणों जो है उनका योगफल आपको 285 दे रखा है, तो चौथे कोण की माप बताइए। 2018 में प्रश्न आपसे पूछा गया था, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तीन कोणों का योगफल 285 है, चारों का योग होता है 360, तो 285 में से आप घटा देंगे 360 को, तो चौथा कोण निकल आएगा, 10 में 5 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा 5, और उधर से आप हासिल लेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में 8 आप घटाएंगे तो आपका 7 बचेगा, यानी कि यहाँ पर 7 हो जाएगा, और ये तो आपका कट ही जाएगा क्योंकि आपने हासिल उधर ले लिया, तो 75 डिग्री आपका ऑप्शन बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार आपको स्पीड बनाए रखनी होगी क्योंकि एक घंटा पता नहीं चलेगा आपको कि कब हो गया पेपर में। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 78, परिमेय संख्या दे रखी है, इसका सरलतम रूप बताना है। सरलतम रूप का कहने का मतलब है कि इसको आप जो भी संख्या से कट रहा हो उसको काट लीजिए। तो सबसे पहले देखिए ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो माइनस तो आपका हट जाएगा, तो जितने भी आपके माइनस वाले दे रखे हैं ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यही ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल कुछ ना आता हो आपको तब भी सा को आप जल्दी वल्दी में टिक कर देंगे तो बिल्कुल सही होगा। आप देखिए सॉल्व हम कैसे करेंगे, 32 को काटेंगे किससे, तो दो ही से काट लीजिए सबसे छोटी संख्या से, तो आपका 16 बार में जाता है, नीचे आपका 50 हो जाएगा, ये 8 बार में जाएगा फिर आपका 25 हो जाएगा, फिर 4 बार में जाएगा पर 25 आपका कटेगा नहीं, तो आपका यही वाला सही हो जाएगा, यानी 8/25 लास्ट में बच रहा है, तो 8/25 माइनस माइनस मैंने पहले ही काट के आपको बता दिया। अगला प्रश्न कह रहा है घनमूल, ये मैंने आपको प्रश्न कराया, कहा है कि बार बार ये पूछा जाता है, 2017 में भी आया था, 2019 में भी आया, ये प्रश्न आप देखेंगे 2019 में आया है, आंसर इसका क्या होगा 0.01। देखिए 2019 में जो है वो पूछा गया है, इस टाइप का प्रश्न रिपीट हुआ है, तो तरीका वही होता है जो मैंने आपको बताया था, संख्या गिनकर उसी के अकॉर्डिंग और चेक करने के लिए इसी को 3 बार गुणा कर लीजिए तो वो आपको प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न देखता है 80 की 3x की वैल्यू 6 दे रखी है, 4x प्लस y जो है उसका मान 14 दे रखा है, तो आपका y का मान निकालना है। अब यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, x का मान यहाँ से निकालेंगे तो कितना निकलेगा, x बराबर आपका निकलेगा 6/3, 3 से काटेंगे 3 × 6 यानी कि x की वैल्यू आपकी 2 निकल कर आई। यहाँ पर आप x की वैल्यू रखेंगे तो y का मान निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा, यानी 4 × 2 रखेंगे प्लस y रखेंगे और बराबर 14, 4 × 2 = 8 होता है प्लस y बराबर 14, y का मान निकालेंगे तो 8 उधर जाएगा, तो 14 में से 8 माइनस हो जाएगा तो आपका 6 जो है वो शेष बचेगा, तो y की वैल्यू आपकी 6 निकल आएगी। और प्रश्न में देखिए तो y का मान ही पूछा था, यानी कि आ वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 81 कह रहा है साइन 60 की वैल्यू अपॉन साइन 30 की वैल्यू, तो साइन 60 वैल्यू आपकी कितनी होती है, आपकी होती है 0 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2 होती है, यानी कि √3/2 आपकी होगी। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, वो आपकी cos 30 की वैल्यू, तो वही आपका इसी का जस्ट अपोजिट कर देंगे, यानी कि 0 1/2 1/√2 √3/2 होता है, तो हम cos थीटा में जस्ट अपोजिट कर देते हैं, यानी कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर cos 0 का मान आपका 1 हो जाएगा, और साइन 60 का मान आपका √3/2 होता है, तो cos 30 का मान आपका √3/2 होगा, यानी कि यहाँ cos 30 का मान पूछा गया है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे √3/2 आपका यहाँ भी आ जाएगा। साइन 60 की वैल्यू आपकी कितनी होती है √3/2, और cos 60 की वैल्यू भी यानी कि cos 30 की वैल्यू भी √3/2 होगी। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको इससे गुणा कीजिए, इसको इससे, तो ऊपर गुणा करेंगे तो 2√3 आएगा, और बटे में भी आपका 2√3 ही आएगा, इसको इससे काट देंगे तो आपका 1 बचेगा, तो 1 आपका ऑप्शन बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी प्रश्न आपके 2019 में जो है वो पूछे गए थे। चलिए देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न देखते हैं 82, 7^5 दे रखी है, बटे में 7^1/3 दे रखी है, तो इसका मान आपको बताना है, और ये 4 ऑप्शन है। इसको करने के लिए मैंने क्या बताया था, इस प्रकार की मान जो है करने के लिए जो बटे में वैल्यू आप इसको ऊपर ला सकते हैं, घातांक जो है आपकी
1/5 दे रखी है, इसमें से जो घातांक है वो माइनस हो जाएगी नीचे वाली, क्योंकि आधार समान है, आधार समान होने पर घातांक इस प्रकार से घट जाएगी। तो 7^5 - 1/3 आपका आएगा। अब कुछ ना करिए, 1/5 और 1/3 को घटा लीजिए, ये सब पावर में घातांक, ये सभी जो मान लिखे हुए हैं साथ में ये सब घातांक में है। 1/5 में से 1/3 को घटाएंगे तो 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आपका 15 आएगा। यहाँ पर 5 * 3 = 15 होता है, 3 * 1 = 3, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर आपका 3 * 5 = 15 और 5 * 1 = 5 यानी 5 आएगा। 3 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा और 1/5 आएगा, तो ये माइनस का 2/15 इस 7 की घातांक में आएगा। कहने का मतलब क्या बचेगा आपका क्या शेष, तो आप कहेंगे 7 - -2/15 ये आपका आएगा। आप देखिए इन चारों ऑप्शन में से तो यही वाला सही है, बा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है आपका 7 जो है इसकी पावर में है, ये दो माइनस का 2/15, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये तो जब टाइपिंग होती है यानी कि किताबें छपती हैं तो उसमें इस प्रकार से नहीं बन पाता, इसलिए इस प्रकार से साथ ही में लिख दिया गया। अब वो प्रश्न जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताना है। देखते हैं कितने लोग जो है इसका सही उत्तर जो है वो बताते हैं। ये मैं आपको करा भी चुका हूँ, आपको याद होगा। तो ये घनमूल आपको निकालना है 125 * 343 का, इस प्रकार से प्रश्न है। आप सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। इसी के साथ हमारा ये आज का पार्ट जो है MCQ का समाप्त होता है। आज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।